26 जनवरी के परेड में 123 इन्फेंट्री बटालियन के सभी सैनिक अब हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, इन सैनिकों ने संकल्प लिया है कि वो अपने अंगदान करेंगे ताकि दिव्यांगों को इसका फायदा मिल सके। और इस संबंध में न्यूज नेशन संवाददाता रविकांत राय ने 123 इन्फेंट्री बटालियन के लेफ्टिनेंट अमित शर्मा से खास बातचीत की। इस बार गणतंत्र दिवस पर जो परेड होगी उसमें एक ऐसी बटालियन हिस्सा ले रही है जिसका उद्देश्य जो है बहुत अनूठा है। ये पूरी की पूरी बटालियन ने फैसला लिया है कि वो ऑर्गन डोनेट करेगी। लेफ्टिनेंट हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं। कब आप लोगों ने ये फैसला लिया और ये विचार कैसे आया कि ऑर्गन डोनेट किया जाए? ये एक स्वेच्छा से लिया गया फैसला है जिसका जो पूरा माइंड वर्क था वो मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गोपाल सिंह चुनावत वीर चक्र, और उन्हीं के नेतृत्व में हमने पूरी पलटन ने ये फैसला लिया कि जब तक हम वर्दी में तो देश सेवा करते ही हैं, लेकिन अगर जीवन के बाद भी किसी भी तरीके से हम अपने सोसाइटी के काम आ सकें तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। तो मैं कहूँगा कि ये इंडियन आर्मी की एकमात्र ऐसी पलटन है जिसने अभी तक 100% नफरी ने ऑर्गन डोनेशन की प्लेच की है। ये टेरिटोरियल आर्मी की जो सभी जवान हैं ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कि पूरी जो बटालियन है उसने ये फैसला लिया है कि वो ऑर्गन डोनेट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।